नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पे। आज हम टेक्नीशियन क्लास के मोस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि टेक्नीशियन एग्जाम में आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर नमी वाले वातावरण में कार्य कर रहा है, कम्यूटेटर पर कार्बन बोस अधिक घिसेंगे। यानी हमें बताना है कि एक डीसी जनरेटर नमी वाले वातावरण में कार्य कर रहा है, उस कम्यूटेटर पर कार्बन बोस का कौन सा टर्मिनल अधिक घिसेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा होगा नेगेटिव टर्मिनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर स्टार्टर में एनवीसी का क्या काम होता है? वोल्टेज घटाना, वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज ना होने पर मोटर को सप्लाई से कट कर देना, करंट को कम करना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हमें बताना है कि मोटर स्टार्टर में एनवीसी का क्या काम होता है। यहाँ पे एनवीसी का मतलब है 9 वोल्ट कॉयल। चलिए बताइए क्या कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा वोल्टेज ना होने पर मोटर को सप्लाई से कट कर देना। एनवीसी का काम होता है वोल्टेज ना होने पर मोटर को सप्लाई से अलग कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू वैक्यूम क्लीनर में सीरीज मोटर यूज़ की जाती है क्योंकि नो लोड हाई स्पीड के कारण, कम पावर खपत के कारण, सस्ती होने के कारण, अधिक स्टार्टिंग टॉर्क के कारण। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा नो लोड हाई स्पीड के कारण। जो हमारे वैक्यूम क्लीनर होते हैं उसमें नो लोड हाई स्पीड के कारण सीरीज मोटर यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीसी शंट मोटर का फील्ड सर्किट हल्के लोड पर ओपन हो जाए तब क्या होगा? यानी एक डीसी शंट मोटर है, उसका फील्ड सर्किट हल्के लोड पे ओपन हो जाए तो क्या होगा हमें बताना है। मोटर रुक जाएगी, मोटर सामान्य स्पीड पर चलती रहेगी, मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, मोटर बहुत अधिक स्पीड पर चलेगी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा मोटर बहुत अधिक स्पीड पर चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा स्पीड नियंत्रण डीसी मोटर निम्न कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, जहाज चलाने में या रोलिंग मिल में। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा रोलिंग मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। मशीन, टूल्स और ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक ट्रॉम, इलेक्ट्रिक होस्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा मशीन, टूल्स और ड्राइव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर की रेटिंग किस में की जाती है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हमें बताना है कि मोटर की रेटिंग किस में की जाती है, एचपी, किलोवाट या किलोवोल्ट एम्पियर। एचपी का मतलब हॉर्स पावर, केडब्ल्यू का मतलब किलोवाट और केवीए का मतलब किलोवोल्ट एम्पियर। चलिए बताइए मोटर की रेटिंग किस में की जाती है। इसमें हमारा आंसर होगा एचपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंटरपोल यूज़ करने का उद्देश्य, हमें बताना है इंटरपोल का को क्यों काम में लेते हैं। मुख्य क्षेत्र की शक्ति कम करने के लिए, मोटर की गति तेज़ करना, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना, मशीन की गति धीमी करना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना। हम इंटरपोल का यूज़ कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ होता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ बताना है। ज्यावक्री, प्रत्यावर्ती, चतुष्फलकी या आयताकार। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा ज्यावक्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से डीसी मोटर का स्टार्टर कौन सा नहीं है। 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हमें बताना है डीसी मोटर का स्टार्टर कौन सा नहीं है। इसमें हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी डीसी मोटर के स्टार्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, थायरिस्टर या सभी का। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा थायरिस्टर। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम थायरिस्टर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैपिंग फील्ड कंट्रोल मेथड का प्रयोग किस मोटर में किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी हमें बताना है कि टैपिंग फील्ड कंट्रोल मेथड का प्रयोग हम कौन सी मोटर में करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज मोटर या डीसी शंट मोटर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर। टैपिंग फील्ड कंट्रोल मेथड का प्रयोग हम डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। कुछ घट जाती है, आनुपातिक रूप से बढ़ती है, कुछ बढ़ जाती है वही रहती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हमें बताना है डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसके घूर्णन गति पर क्या इफेक्ट होगा। इसमें हमारा आंसर होगा कुछ घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करते हैं, यह अनुमान लगाते हैं कि बल्ब का प्रकाश तुरंत बंद हो जाता है, यह किस प्रकार की सप्लाई है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, बैटरी की धारा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी हमें बताना है कि हमारे पास एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करते हैं हम, यह अनुमान लगाते हैं कि बल्ब का प्रकाश तुरंत बंद हो जाता है। तो हमें बताना है कि
किस प्रकार की सप्लाई है? इसमें हमारा आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाया जाए तो क्या होगा? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। क्योंकि यह ज़्यादा करंट ले सकता है इसलिए बार बार उड़ेगा नहीं, बड़े फ्यूज की मरम्मत लागत अधिक होगी, सर्किट को अधिक सुरक्षा मिलेगी, सर्किट में ओवरलोड होने पर गंभीर हानि होगी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा सर्किट में ओवरलोड होने पर गंभीर हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, इसमें किस प्रकार की सप्लाई दी गई है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों या कोई नहीं? इसमें धीरे धीरे बंद हो रहा है, पहले वाले में तुरंत बंद हो जा रहा था। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा दिष्ट धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पदार्थों में से किसका लगभग शून्य ताप कोफिशेंट होता है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। कार्बन, आयरन, मैग्नीन या एल्यूमिनियम? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा मैग्नीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कार्बन फिलामेंट लैंप के द्वारा करंट प्रवाहित होती है तब फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। ताप बढ़ने के कारण, पॉजिटिव तापमान कोफिशियंट के कारण, नेगेटिव तापमान कोफिशियंट के कारण या इंसुलेटिंग गुण में कमी के कारण? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा नेगेटिव तापमान कोफिशियंट के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न धातुओं में से किस धातु की सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर? हमें बताना है कि सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका है। इसमें हमारा आंसर होगा सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है? वस्तु का ताप बढ़ जाए, वस्तु का ताप कम हो जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं? हमें बताना है किस पदार्थ का रेजिस्टेंस कम हो जाता है यदि वस्तु का ताप बढ़ जाए, वस्तु का ताप कम हो जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों में ड्रिल करने से पहले गाइड होल बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। दांतों में ड्रिल करने से पहले गाइड होल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीकर, पेंसिल, सेंटर पंच या पेचकस? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा सेंटर पंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हमें बताना है ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है। इसमें हमारा आंसर होगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर सर्किट में उपयोग होने वाला रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर, वायर बाउंड रेजिस्टर, धातु तह रेजिस्टर, मोटी फिल्म पतली फिल्म रेजिस्टर? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा वायर बाउंड रेजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करते हैं केवल वोल्टेज, केवल करंट, केवल फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज तथा करंट दोनों? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा वोल्टेज तथा करंट दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्की धातु को ठोकने के लिए लकड़ी से बना कौन सा हैमर यूज किया जाता है? पाइप वाइज, बॉल पिन हैमर, मेलेट या क्रॉस पिन हैमर? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हमें बताना है हल्की धातु को ठोकने के लिए लकड़ी से बना कौन सा हैमर यूज किया जाता है। इसमें हमारा आंसर होगा मेलेट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।